हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फूड प्रेमी। गाइस कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, कमेंट में लिख देना कैसे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूट्री फ्राइड राइस, बहुत ही हेल्दी। बच्चों को कुछ न्यूट्रिशंस खिलाने के लिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो न्यूट्री फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले पानी में हम डाल देंगे न्यूट्री, ने अच्छे से बॉयल होने देंगे इसे 5 मिनट के लिए। ये हमारी न्यूट्री बॉयल हो चुकी है, अब हमने ठंडा कर लेंगे और पानी निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा बॉयल हुई है, ये एकदम फूल गई है। इनका पानी निचोड़ लेना है हमें सारा, इनका पानी नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर प्याज काट लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक प्याज ली है फ्राइड राइस बनाने के लिए। और तेल हो चुका है, इसमें जीरा डाल दिया है। इसमें डाल देंगे फाइन चॉप प्याज, इन्हें हल्का सा सौटे करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। तुरंत इसमें डाल देंगे फिर अपनी न्यूट्री। अब इसमें अपनी न्यूट्री निकाल देंगे, जिनका हमने पानी निकाल दिया है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, पानी निकाल दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे टमाटर, न्यूट्री को हमने भून लिया था थोड़ा प्याज के साथ, अब इसमें टमाटर डाल के भी भूनेंगे। हल्का सा आपका ये चिपक सकता है कढ़ाई से, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, जिससे टमाटर थोड़े गल जाएँ। एकदम सिंपल रेसिपी है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, घर के बेसिक मसालों से बनाइए ये बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और उसके बाद थोड़ा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए धनिया पाउडर। बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है इसमें। और देखिए कितना अच्छा मसाला सा बना है। ये थोड़ा कढ़ाई से चिपकेगा पर कोई बात नहीं है। और उसमें डाल देंगे ये बॉयल्ड राइस, देखने में लुक वाइज ये आपको बिल्कुल बिरयानी जैसा लगेगा और बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, नहीं किया है तो अब तक। लिंक ये रही।